तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की फुल जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में और फुल डिटेल। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में जो नेटवर्क एडमिन पे जॉब करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उनका जो KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है वो क्या क्या होता है, और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि इनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है, जो कि आप कहोगे कि यार इतनी सैलरी हमें मिलती तो कितना मस्त होता। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो बेसिकली इनका काम जो होता है वो मैनेज करना, मेंटेन करना, सिक्योर करना, जो एक कंपनी में इन्फ्रा का नेटवर्क होता है उस मैनेज करना, जो नेटवर्क को मैनेज करते हैं उनको हम बोलते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो मॉनिटरिंग का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, तो ये सारी चीज़ें जो नेटवर्क के अंडर आती हैं वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। तो अभी हम इसमें बात करते हैं कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के गोल होते हैं, कि मतलब उनका जो की पॉइंट होता है, जो उनको फोकस करना होता है की पॉइंट्स पे, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली होता है पहला प्लान एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नेटवर्क स्टेबिलिटी। तो क्या होता है कि दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो नेटवर्क लगे होते हैं उनको स्टेबल कैसे रखना है वो उस पर काम करते हैं, ताकि ड्यूरिंग वर्क आवर्स कोई भी फ्लैक्चुएशन नेटवर्क में ना आए। ट्रैक एंड डॉक्यूमेंटेशन भी नेटवर्क एडमिन रखते हैं कि कितने डिवाइसेस लगे हुए हैं, क्या क्या उनका यूज़ है। मतलब जिस तरीके से आप एक एसेट इन्वेंट्री मैनेज करते हो, उसी तरीके वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो सारे नेटवर्क डिवाइसेस को मेंटेन करते हैं और उनकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। और जिसमें इनका सिक्योरिटी पॉइंट जो आता है वो नेटवर्क को अटैक से बचाने के लिए, जो फिशिंग अटैक्स वगैरह होते हैं उसको ये लोग सिक्योर करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क एडमिन के थ्रू। वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी यूज होते हैं कई कंपनीज में, और कई कंपनीज में बड़े बड़े फायरवॉल्स वगैरह लगे होते हैं, जो कि ये सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे एक मल्टीनेशनल कंपनी हो। अब बात करते हैं एग्जैक्टली की एरियाज के बारे में। इंस्टॉलिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग एंड अपग्रेडिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंस्टॉल भी करते हैं, ट्रबल शूट भी करते हैं और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड भी करते हैं, इन केस कंपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी आप 100 Mbps यूज़ कर रहे हो, कल को यूजर्स बढ़ते हैं कंपनी में, तो आपको अगर 200 Mbps करना तो कैसे उसको अपग्रेड करना, तो वो लोग उस पर भी काम करते हैं। और नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर भी करते हैं, जो भी नेटवर्क पे एक्टिविटी हो रही होती है, वो चाहे फिशिंग हो, चाहे फ्लक्चुएसन हो, चाहे स्पीड के रिलेटेड हो, जितना भी उसका डेटा होता है वो पूरा मेंटेन या मॉनिटर करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब बात करते हैं इसके टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बेसिकली ये लोग वेरियस टूल्स एंड एप्लीकेशन यूज करते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए। वो आप जब एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो तो आपको वो सारे टूल्स और सिक्योरिटी फीचर्स का नॉलेज होना चाहिए होता है, या आप एक एक्सपीरियंस के साथ में आपको उन सब टूल्स या सॉफ्टवेयर का नॉलेज इजीली हो जाता है। एंड दोस्तों, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अब इस टाइम नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपका राउटर हो गया, स्विच हो गया, AP हो गया, मतलब ऐसे वेरियस डिवाइसेस जो होते हैं वो नेटवर्क कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनको मैन्युअली मॉनिटर करना या मैन्युअली ट्रैक करना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टास्क हो गया। अब इतने एडवांस टूल्स और सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर आपकी सारी डिवाइस को वहीं पे वो मैनेज करके पूरा दे देता है। तो इसलिए वहाँ पे टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, कि बेसिकली उसको मॉनिटर करने के लिए या ट्रैक करने के लिए नेटवर्क का मल्टीपल डिवाइस के अगेंस्ट में। एंड दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इनकी सैलरी बेस के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि जब आपको 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस इन एंड अराउंड हो जाता है, उसके बाद आप नेटवर्क एडमिन बनते हो। जब आप नेटवर्क एडमिन बनते हो तो इनिशियली आपको अराउंड कुछ 15 लाख के आसपास का आपको पैकेज मिल जाता है, 15 लाख से 20 लाख के आसपास। बट वो डिपेंड करता है वो भी कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक MNC कंपनी है या Fortune 500 कंपनी है, कैसी कंपनी आप उसमें काम कर रहे हो वो उस पर भी डिपेंड करता है। बट एक एक अराउंड एक जो ग्लास डोर सैलरी है वो अराउंड कुछ 15 लाख के आसपास आपको ईयरली मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।